के साथ हमारे संवाददाता अमरीश पांडे इस वक्त जुड़ चुके हैं और महंगाई को लेकर एक नई खबर अमरीश हमें बताएंगे। महंगाई को लेकर सरकार एक बार फिर से एक्शन में है, चूंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, चुनाव का वक्त है, ऐसे में क्या रोड मैप तैयार हुआ है महंगाई को लेकर, ये बताने के लिए अमरीश जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अमरीश बताइए, क्या नई प्लानिंग महंगाई पर? तो जी, जिस तरह से हम जानते हैं कि सरकार लगातार मॉनिटरिंग करती रहती है इन्फ्लेशन से जुड़ी सभी चीज़ों का, सरकार ने ये देखा कि प्राइसेस के बढ़ने का ट्रेंड अभी भी जारी है और सरकार नहीं चाहती है कि इन्फ्लेशन का ये जो असर है चुनाव पर दिखे, क्योंकि बढ़ती गर्मियों के साथ देखते हैं हम डिमांड भी बढ़ती है। लिहाजा सरकार ने 5 अप्रैल को सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को चिट्ठी लिखी है और उनसे कहा है कि स्टॉक डिस्क्लोजर को की सघन जाँच करने की ज़रूरत है। साथ साथ जितनी भी ऐसे मेलर्स स्टॉकिस्ट हैं उनको कल बुलाया, यानी कि कल एक अहम बैठक है जिसमें साफ तौर पर सरकार कहेगी कि आपके पास जो इनपुट आते हैं, जो इंपोर्ट आता है, उसकी पूरी हमें जानकारी है, कस्टम का पूरा डेटा हमारे पास है, लेकिन बाजारों में उतना सामान उपलब्ध नहीं है, लिहाजा ये जो मिसमैच है उसको तत्काल प्रभाव से दूर कीजिए, 15 अप्रैल तक स्टॉक्स का पूरा डिस्क्लोजर दीजिए, इसके साथ साथ उससे जुड़ी जो कोई जरूरी चीज़ें हैं उसको भी मेंटेन कीजिए, अगर ऐसा नहीं होता है तो उसके बाद जो जाँच है वो और कड़ी की जाएगी। जो जानकारी हमारे पास है उसके अनुसार केंद्र सरकार कई सारी ऐसी बड़ी टीमें बना रही है जो होर्डिंग वाले इलाकों पर, कालाबाजारी वाले इलाकों पर विशेष निगरानी रखे हुए हैं और ये जो टीमें हैं वो औचक निरीक्षण करेंगे उन इलाकों का, और अगर ऐसा पाया जाता है कि जहां मिसमैच ज़्यादा है या फिर स्टॉक डिस्क्लोजर कुछ और था और उनके पास जो इम्पोर्ट है वो डेटा कुछ मिसमैच हो रहा है, तो ऐसे में उन डीलर्स पर, स्टॉकिस्ट पर, होलसेलर्स पर, यहाँ तक कि ऐसी एजेंसीज पर, वेयरहाउसेज पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राज्यों से भी स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है उसके अनुसार तमाम जो शक्तियां उनका इस्तेमाल कीजिए, किसी भी कीमत पर उपभोक्ता को परेशानी न झेलनी पड़े। साथ साथ दाल की अगर बात करें तो दाल को लेकर विशेष सरकार का फोकस है, सरकार का साफ कहना है कि दालों में जो ट्रेंड है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है, पिछले कुछ सालों की अगर बात करें तो गर्मी की वजह से पैदावार थोड़ी कम हुई थी लेकिन इम्पोर्ट के जरिए उसको फुलफिल करने की कोशिश की जा रही थी, इस बार इम्पोर्ट पर्याप्त मात्रा में है बावजूद उसके दालों के बढ़ने का ट्रेंड है। जब हमने अरहर के दाल बढ़ने का ट्रेंड देखा था तो उसके बाद सरकार ने मूंग और चने की दाल को मार्केट में उतारा था, अब जो है चने की जो कीमतें उसमें भी बढ़ोतरी दिख रही है, मूंग की कीमतों में भी बढ़ोतरी दिख रही है, लिहाजा सरकार दालों को लेकर विशेष फोकस में है और जो एक्शन टीमें बनेंगी वो दालों पर ज्यादा फोकस करेंगी। कुल मिलाकर कल की जो बैठक है वो बहुत बेहद अहम होने वाली है जिसके बाद सरकार अपना एक्शन प्लान शुरू करेगी। 15 तारीख निश्चित कही गई है, 15 अप्रैल के बाद हर हफ्ते डिस्क्लोजर जरूरी है और राज्यों से उसी के साथ उसका मिलान करने की बात भी कही गई है। प्रतुंजय, अच्छा, तो ये महंगाई को लेकर महत्वपूर्ण खबर, 15 अप्रैल से डिस्क्लोजर देना अनिवार्य होगा ताकि ये अंदाज़ा सरकार को लगे कि स्टॉक का सिचुएशन क्या है और कहीं कोई होल्डिंग तो नहीं हो रही है। चलिए, शुक्रिया अमरीश आपका इस महत्वपूर्ण खबर के लिए। और